हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक ग्रुप की फॉर्मेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा। अब जब आप अपने फेसबुक ग्रुप में कोई पोस्ट करते हैं तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है राइट अ पोस्ट, उसके नीचे आपको यहाँ पर चैट का, फोटोज का और पोल का ऑप्शन दिखाई देता है, जिसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक फॉर्मेट करके, एडिटिंग करके यहाँ पर लाइव का, फोटोज का और रील्स का ऑप्शन कैसे ला सकते हैं। मतलब ये है कि आप अपने फेसबुक ग्रुप की पोस्ट फॉर्मेट सेटिंग कैसे कर सकते हैं, और इस सेटिंग को जानने के लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। कहीं से भी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम जाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फेसबुक ग्रुप की पोस्ट फॉर्मेट सेटिंग्स के बारे में आप दोस्तों को बताने के लिए मैं आ चुका हूं अपना मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। और स्टेप नंबर वन है कि आपने ऑफिशियल फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ, और इसे ओपन करने के बाद आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने ग्रुप्स में चले जाना है। ग्रुप्स में जाने के बाद आपने यूअर ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर वो ग्रुप्स आ जाएंगे जो आपने बनाए होते हैं फेसबुक के ऊपर। तो जैसा कि यहाँ पर मैं एक ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें राइट समथिंग के नीचे आपको चैट, फोटोज और पोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसे हम फॉर्मेट करके, कस्टम करके चेंज करेंगे इन फीचर्स को, और अपनी मर्जी के मुताबिक अपने ग्रुप की पोस्ट फॉर्मेट सेटिंग करेंगे। तो इसे चेंज करने के लिए आपने ग्रुप की सेटिंग्स में चले जाना है, और सेटिंग्स में आने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ग्रुप सेटिंग में आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास एडिट पोस्ट फॉर्मेट्स का ऑप्शन दिखाई देता है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास वो कह रहा है कि राइट समथिंग के नीचे आपके पास ये तीन ऑप्शंस हैं, और आप इसे एडिट करके अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वो तीन ऑप्शंस दे देता है। यहाँ पर वो कहता है कि चैट की जगह पर आप क्लिक करें, यहाँ पर कोई और ऑप्शन ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम लाइव का फीचर ले आते हैं कि हमारे पास चैट की जगह लाइव का है, और पोल की जगह हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, पोल की जगह हम चाहते हैं कि यहाँ पर रील का फीचर आ जाए, तो हम यहाँ पर रील के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइव, फोटोज और रील्स का ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई देता है। तो मैं इसे यहां पर जैसे ही सेव करूंगा, सेव करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि लाइव, फोटोज और रील का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। आपने इसे बैक करना है, बैक करने के बाद एक बार हम इसे रिफ्रेश करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि राइट समथिंग के नीचे लाइव, फोटोज और रील का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, और अपने फेसबुक ग्रुप की पोस्ट फॉर्मेट को कस्टमाइज करके आप इजीली अपनी मर्जी के मुताबिक अपने फेसबुक ग्रुप की पोस्ट फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। और यही आज के हमारे वीडियो का टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपने फेसबुक ग्रुप की पोस्ट ऑप्शन को कस्टमाइज करके अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे बना सकते हैं। आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके माइंड में फेसबुक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दो में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।